जांजगीर चांपा जिले के 129 केंद्रों में धान की खरीदी चल रही है। अभी किसानों से 2183 रुपए में धान की खरीदी की जा रही है। सरकार बनने पर भाजपा ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन इसका आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में किसान असमंजस में तो हैं, लेकिन सरकार पर भरोसा करके केंद्रों में किसान धान बेचने पहुंच भी रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने घोषणा की थी तो 3100 रुपए जरूर देगी। अभी 2183 रुपए में धान बेच रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बाकी की राशि जरूर देगी। इधर पेंड्री खरीदी केंद्र के प्रभारी तुषार सिंह ने बताया कि अभी पुराने आदेश पर ही 2183 रुपए प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ के हिसाब से 20 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। अभी अपन 64 क्विंटल धान बेचे हैं राज, 3 एकड़ करीब में, 3 एकड़ कुछ ज़्यादा राशि। अभी 2183 पुराना जो है वो हिसाब से भी देते हैं। अब भरोसा तो है सरकार घोषणा करे, पिछले बारों सरकार देहरी से यही सरकार दी, अब नहीं पूछे नहीं ना, भरोसा सरकार तो डाली। अब मुख्यमंत्री तो बैठ गिरा हमारे यहाँ नया, तो अब भाई कुछ तो कार्रवाई कर बच करी होती आगे बढ़ाई। हाँ 2183 रुपया भी अभी हमन 8 एकड़ बम बेचे समझ जा है ना, वो करीब 1980 ले थे अभी 19 क्विंटल 80 किलो है नी, 20 क्विंटल जो भी ले था भाई 2183 में, और बोले तो 3100 देवो गई थी, लेकिन भरोसा हा भाई दी बेच कर ही पिछले बार ही भी पा रहे हैं। तो मन कहा थे भाई अब जिन्हा सरकार के आदेश है तो इन्हा करा था कहा थे मन, और हमारे मन भरोसा हा भाई कि दी हाँ घोड़ा करे था। नई सरकार की तरफ से तो हम लोगों के पास कोई ऐसा आदेश या कुछ भी जो खरीदी का मात्रा है या जो राशि है उसके बारे में जानकारी नहीं आया है। अभी पिछले जो सरकार थी उसके अनुसार 20 क्विंटल प्रति एकड़ में खरीदा जा रहा है और 2183 रुपये जो समर्थन मूल्य में धान खरीदी है वही अभी चल रहा है। किसान लोग सरकार बदलने का या सरकार बैठने की स्थिति में जो धान बिक्री में थोड़ा सा लेट लतीफी हुआ है उसी के वजह से हुआ है कि 21 क्विंटल या 20 क्विंटल 2100 रुपये या 3200 रुपये के वजह से धान लाने में किसान लोग भी थोड़ा सा देरी करके लाए थे। अब उसके बाद में अभी तक कोई भी प्रकार का जानकारी ऊपर सरकारों के द्वारा हम लोगों को आदेशित नहीं किया गया है, ना ही अपग्रेड किया गया है। जो पुरानी जो सरकार की नीति थी उसके हिसाब से 20 क्विंटल और 2183 रुपये MSP के हिसाब से अभी धान खरीदी किया जा रहा है। अब सरकार के नियमानुसार जैसे कि डिफरेंस की राशि जैसे सरकार के अनुरूप वो किस्त में तो नहीं एक ही बार में 3100 रुपये घोषणा किए थे, अब वो सरकार की नीति और योजना के तहत वो जिस भी हिसाब से वो किसानों के बैंक अकाउंट में अपडेट कराती है वो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके हिसाब से यहाँ से अपडेट उसको कर दिया जाएगा।